सूरदास पाठ के माध्यम से अपन ने अध्ययन किया था कि सूरदास जी के द्वारा बताया गया कि भगवान कृष्ण का राधिका के साथ कैसे परिचय हुआ। आज हम दूसरा और पद पढ़ेंगे कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवन में चपल नैन की कोर। मधुकर जिसे हम बहुरा कहते हैं, यहाँ उसका उपयोग उद्धव जी के लिए किया गया है जो कृष्ण के दूत के रूप में पधारे हैं और उनका कहना है गोपियों का कि हमारे कृष्ण भगवान हैं वो चोर हैं। किस प्रकार की चोरी उन्होंने की कि मन हरि लियो तनिक चितवन में चपल नैन की कोर। अपने चंचल और चतुर नैनों के आधार पर उन्होंने पल भर में, बहुत कम समय में, थोड़ी सी देर में ही हमारे मन का हरण कर लिया, अर्थात हमारे मन की उन्होंने चोरी कर ली। पकड़े उदय हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। जब भगवान कृष्ण ने, श्याम ने हमारे मन की चोरी की तो हमारे मन की उन चोरी करने के बाद हमने भी उन्हें अपने हृदय के अंदर अपने प्रेम और स्नेह के माध्यम से उनको हमने जो अच्छी तरह से पकड़ लिया, अर्थात उनको हमने अपने दिल में, अपने मन में बसा लिया। किंतु उनके बाद में उन्होंने क्या किया कि गए छाई तोर सब बंधन, कि उन्होंने अपने जितने भी सारे बंधन थे प्रेम प्रीति के, स्नेह के, उन सबको छोड़ करके और जो श्याम थे, कृष्ण भगवान थे, वो गोकुल छोड़ करके और मथुरा की ओर पलायन कर गए और दे गए हंसनी अपूर। और जाते जाते वे हमें भेंट स्वरूप अपनी मंद मंद मुस्कुराहट जो थी, उनकी मंद मंद जो हंसी थी, वो हमें वो अपने भेंट के रूप में छोड़कर चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। जब हमारी नींद खुली, हमारी आंखें खुली प्रातः काल के समय, जब हम उठे रात्रि के बीतने के बाद में, तो दूत मिलो एक भोर, तो हमें दूत के रूप में भौरे के समान उद्धव जी तैयार मिले। निर्गुण ब्रह्म की उपासना लेते हुए सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो मागर मबल की। सूरदास जी ने कहा कि गोपियों ने क्या कहा कि एक भौरे के रूप में एक उद्धव हमारे कृष्ण के दूत के रूप में मिला और उसने उससे उन्होंने क्या कहा कि प्रभु सर्वस्व लूटो, कि भगवान ने हमारा सर्वस्व, सर्वस्व यानी सर्वस्व सब कुछ हमारा चोरी करके ले गए। नागर नवल किशोर, नागर मानी चतुर, चतुर कृष्ण भगवान जो थे, कृष्ण जी थे, वो हमारा सब कुछ चोरी करके अपने साथ ले गए। इसी प्रकार से जब वे वहां से चले गए तो गोपियों ने प्रयास किया कि किसी प्रकार से हमारी सूचना उन तक पहुंचे। अपनी सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए गोपियों ने उनको अपनी ओर से पत्र लिखना प्रारंभ किया। तो संदेशन मधुबन कूप भरे, गोपियों ने कहा हमने इतने पत्र भेजे हैं, इतने सारे संदेश बना करके भेजे हैं कृष्ण जी के पास मथुरा में, कि अगर उन सारे पत्रों को उठा करके यदि कुएं में डाला जाए तो पूरा का पूरा कुआ ही मथुरा का भर जाए। मधुबन संदेशन मधुबन मथुरा के सारे कुए उन पत्रों से भर जाते। अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी में फिरे, हमने जो पत्र उनके पास भेजे थे उनका उन्होंने हमें आज तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास आज तक कोई जवाब नहीं आया, हमने फिरी में फिरे, हमारे पास उनके ना तो कोई पत्र आए, ना पत्र को ले जाने वाला व्यक्ति कोई वहां पर लौट कर आया। जिते पथिक पठवन मधुबन को, पठिए मधुबन को बहुरी न शोध करे। जितने भी पथिक, पथिक मानी राहगीर, जितने भी राहगीर गोकुल से मथुरा की ओर जाते थे, हमने हरेक के हाथों से अपने प्रेम रूपी पत्र को उनके पास भिजवाया, लेकिन बहुर उन पर एक पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक भी वहां से लौट करके हमारे प्रकार हमारे पास किसी प्रकार की कोई सूचना लेकर नहीं आया। कहवे श्याम सिखाई प्रमोदे, कह कहूं बीच मरे। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, हमारे जो पत्र लेकर गए थे अब तो वो लौटे नहीं, अब
वहां नहीं जाना है, जाते हो तो उनसे नहीं मिलना है, किसी प्रकार का कोई जवाब उनको नहीं देना है, ऐसा उन्होंने तय किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि रास्ते में जब वो जा रहे थे तो कहीं बीच रास्ते में वो मर गए, जीवित ही नहीं है, जो कि उनके पास या तो पत्र नहीं पहुंचा या पत्रों का जवाब उनके पास नहीं आ सकता। कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदम लागी जरे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी में गिरने के कारण जो कागज थे वो गल गए हों, या मसी, मसी का मतलब होता है शाही, या उन पर लिखी हुई पेन की जो शाही थी वो छूट गई हो, दिखाई देना बंद हो गया हो, सर दब लागी जरे, या फिर जिस सरकंडे के माध्यम से और जो कलम बनाई जाती है उस सरकंडे के मन में ही आग लग गई, उसमें आग लग जाने के कारण हो सकता है उनके पास लिखने के लिए कलम ही ना बची हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कागज पानी गिरने के कारण, पानी में गिरने के कारण, बादल के बरसने के कारण या तो वो गल गए या उनकी स्याही छूट गई या लिखने वाले कलम के सरकंडों के वन में ही आग लग गई जिसके कारण से सब कुछ जलकर भस्म हो गया और वो लिखने के लायक न रहे। तो उन्होंने क्या कहा, सेवक सूर लिखन को आंधो। सूरदास जी ने कहा कि वे लिखने वाले, हो सकता है उनके कोई सेवक हो, वो हो सकता है कि जन्मांध हो, आंखों से अंधे हो, लिख नहीं सकते हो, और लिखेंगे भी कैसे क्योंकि जब उनके पास आंख ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे। पलक कपट कपाट अरे, या फिर उनकी पलकें जो हैं वो खुलती नहीं होंगी, जब पलकें खुलेंगी नहीं तो दिखाई क्या देगा, तो लिखने वाला भी क्या करेगा, लिख तो सकता ही नहीं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को और प्राप्त करने के लिए उन्होंने हर प्रकार के प्रयास किए, प्रयासों में भी वो विफल रहे, पत्रों को भेजा उसके माध्यम से भी वो विफल रहे, और फिर जब उनको किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई तो फिर उन्होंने ऐसी संभावनाएं व्यक्त की अपने आप में कि हो सकता है पानी के कारण कागज गल गए हों, स्याही छूट गई हो, सरकंडे की जो कलम बनाई जाती है उस जंगल में आग लग गई हो, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं हो, या लिखने वाला उनका सेवक अंधा हो जिसकी पलकें ही नहीं खुलती हों, तो कैसे अपने पत्रों को लिख पाएगा, कैसे हमारे जवाब लिखेंगे और हम तक वो पहुंचाएंगे। तीसरे पद में उन्होंने कहा कि हे उद्धव, उद्धव मन माने की बात, कि उद्धव जी ये तो अपने मन की बात होती है, जिस व्यक्ति को जैसा लगेगा वो वैसा ही करेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि उद्धव मन माने की बात, इसमें व्याकरण की दृष्टि से भी हम देखते हैं तो मन और माने में मैं वर्ण की आवृत्ति ऐसे अधिक बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी से कि उद्धव ये तो अपने मन के मानने की बात है, जिसका मन किसी कार्य के लिए होगा वो कार्य को करेगा, यदि उसके मन में कार्य करने की आकांक्षा ही नहीं होगी, इच्छा ही जागृत नहीं होगी तो कैसे करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो अपने अपने मन की बात है, कैसे है कि जैसे दाख जोहारा छाड़ी अमृत फल विस्की रा विस्खा, कि दाख जिसे हम कहते हैं मुनक्का छुहारे, इनको छोड़ करके जो विष का कीड़ा होता है उसको अमृत फल दिए जाए, उसको वो अमृत फल अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि उसको तो विष खाने की आदत है, और जिसको विष का कीड़ा जो विष को खा करके राजी रहता है, जिसको उसको जिससे खाने से उसका मन तृप्त रहता है, तो उसके लिए अमृत फल का कोई महत्व नहीं है। इसलिए वो तो उसके मन की बात है कि वो अमृत फल खाएगा या विष के पदार्थों को खाएगा। जो चकोर को देई कपूर को तजी अगार अंधा, इसी प्रकार से चकोर पक्षी ऐसा है जिसको कपूर के समान शीतल पदार्थ यदि खाने के लिए दिया जाए वो उसको स्वीकार नहीं करता, उसे वह भोजन अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे तो वो पदार्थ चाहिए, तजी अगार अंधा वो इसको त्याग देता है, कपूर जैसे शीतल पदार्थ को त्याग करके, और अंगार आग से परिपूर्ण जो अंगार होता है उस पर जाकर के वो अपने आप को समाप्त करना पसंद करता है। मधु करत घर फोड़ काट में भगत कमल के पास, भंवरा जो होता है, भंवरा क्या करता है कि कठोर जो लकड़ी होती है उसके अंदर भी छेद करते 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 वो अपना घर बना लेता है, यदि वह चाहे तो उसमें रह करके अपना समय व्यतीत कर सकता है, लेकिन भंवरा क्या करता है उस
लकड़ी के अंदर किए हुए छेद में न रहकर के और जो कमल का फूल होता है उसके ऊपर बैठा रहना पसंद करता है। अंततः सायंकाल के समय जब सूर्य छिपने के लिए जाता है तो वो कमल की जो पंखुड़ियां बंद हो जाती है और वो रात भर उस कमल के पत्ते के ऊपर फूल के ऊपर और बंद रह जाता है, एक कैदी के समान उसमें पड़ा रहता है, किंतु वह उसमें से नहीं निकलता जबकि उसका स्वयं का अपना घर है। जो पतंग हित जानिया अपन, जैसे पतंगा होता है वो अपना भला किसमें मानता है, पतंगा उड़ता हुआ आएगा और सीधा दीपक की जो लौ होती है उससे जाकर लिपटता है। उससे लिपटने पर क्या होता है, दीपक के पास जब जाएगा, आग के पास जाएगा, तो आग के पास जाते ही वह भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके तो मन की बात है, उसको वही अच्छा लगता है, इसलिए वो पतंगा जो है वो आग के पास जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर लेता है। सूरदास जाको मन जासो सोई काही सुभा। सूरदास जी ने कहा जिसका मन जिससे लगता है, जिसको जो चीज भाती है, जिसको जो बात अच्छी लगती है, उसी को वह जो उसको प्रिय लगता है वो उसी को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। तो इस पाठ के अंदर सूरदास जी के पदों में इसी बात की जानकारी दी गई है कि उनका परिचय, फिर उसके बाद में गोकुल से मथुरा की ओर उनका पदार्पण, इसके बाद उनको प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा पत्र लिखे जाना और अंत में उनके मन की बात है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो इसके आधार पर यह हमारा पाठ पूरा होता है।